तो चलिए दोस्तों, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को 18 दिसंबर 2023 को एक बड़ा सा एलओए प्राप्त हुआ है, पहले ऑर्डर प्राप्त हुआ है। उसी से इसके शेयर में आज हम लोगों को 3.5% तक की तेजी देखने के लिए मिल रही है। क्या है ऑर्डर, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आर्डर अंग्रेजी में तो आएगा ही आएगा, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, कंपनी बता रही है कि हमको जो है प्रकटीकरण जो 15 दिसंबर को भी इनका एक अपडेट आया था, उसी के क्रम में बता रहे हैं, टोलिंग संचालन रख रखाव की परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ गया, NHAI के द्वारा जो है इनको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, इनमें करना है इनको कई सारे काम करने हैं। टोटल ऑर्डर जो बताया जा रहा है वो 1683 करोड़ के राजस्व का बताया जा रहा है। 20 साल की रियायत अवधि भी यहाँ पे दी जाएगी। इनके पास टोटल जो ऑर्डर बुक बताया जा रहा है, यह पुरस्कार आईआरबी के एसेट बेस को लगभग 77,000 करोड़ रुपए मजबूती के साथ जो है हो गया है। तो ये देख सकते हो, TOT क्षेत्र में बाजार में जो है इनकी हिस्सेदारी 29% के आसपास है। और परियोजना का अगर हम लोग देखेंगे बात, तो यहाँ पे जो है इनको टोलिंग एंड गतिविधि शामिल है। यहाँ पे जो रख रखाव 110 किलोमीटर है, 4 लेन का रहेगा, तो 440 किलोमीटर पर टोलिंग और O&M गतिविधियां शामिल हैं, ठीक है ना। ये NH 44 पर ग्वालियर खंड और ग्वालियर से झांसी वाले खंड पे यहाँ पे बताया जा रहा है। NH जो है 76 पर कोटा बाईपास खंड में, ठीक है ना। ये इनको जो है एक ऑर्डर मिला है, इस वजह से इसमें जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर ऊपर और पढ़ेंगे हम लोग, तो पुरस्कार के संबंध में कंपनी ने सहयोगी आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए एक अपडेट की जानकारी दी है। और इसमें जो है NH वहीं जो है NH पे जो है कोटा बाईपास पे केबल स्टेज ब्रिज का हस्तांतरण करना है इनको, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा चार्ट के बारे में क्या है राय। तो चार्ट पे अभी ठीक है, कंडीशन सही बनी हुई है। मेन खरीदारी करने का जो लेवल इसका है 40 रुपये के आसपास ही है, 2-3 रुपये का आज तेजी देखने के लिए मिल गया है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया है। 50 रुपये के टारगेट के लिए हम लोग खरीदारी करेंगे 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, तो 1:1 के आसपास ही दिखेगा। आप चाहो तो ये वाले 39 रुपये के नीचे का भी आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, जो बनेगा 29 रुपये 50 पैसे का। तो 29 रुपये 50 पैसे का भी स्टॉप लॉस फॉलो करके आप लोग खरीदारी कर सकते हैं 50 रुपये के टारगेट के लिए। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वीडियो मैं बनाऊंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।